श्री श्री रविशंकर कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आपको एक मूल मंत्र पर अवश्य काम करना चाहिए। वो मूल मंत्र है थोड़ा ज्यादा। यानी जब व्यक्ति कुछ पाने की चाह रखता है तो उसके सामने एक उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य को अपने मन में रखकर वो कार्य करता चला जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से वो एक लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ऐसा तो अधिकांश लोग करते हैं, सबका कोई ना कोई लक्ष्य तो होता ही है। ऐसे में आखिर ऐसा क्या किया जाए कि सफलता ज्यादा विराट हो? आपको यही करना होगा कि प्रतिदिन थोड़ा ज्यादा के लिए प्रयत्न करें, थोड़ा ज्यादा प्रगाढ़ लक्ष्य तय करें, थोड़ी ज्यादा गहरी सोच रखें, थोड़ी ज्यादा कड़ी मेहनत करें, सामान्य से थोड़ा ज्यादा सजग होकर योजना बनाएं और रोजमर्रा के औसत जीवन से थोड़ा ज्यादा प्रभावी स्वरूप में काम करें। सामान्य इंसान इस थोड़ा ज्यादा की मनस्थिति के बजाय जो मिला सो सही की मनस्थिति में रहता है, इसीलिए उसे कम ही प्राप्त होता है। संतोषप्रद होना और जरूरत से कम होने में बड़ा अंतर है। इसे समझे और अपने जीवन में आगे बढ़े। श्री श्री रविशंकर। जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करें, अपनी पसंद की चीजों के लिए खर्चा करें, इतना हंसिए कि पेट दर्द हो जाए। आप कितना भी बुरा नाचते हो फिर भी नाचिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। हर पल को खुशी से जीने को ही जिंदगी कहा जाता है। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश रहो। जिसको पा नहीं सकते उसके बारे में सोचकर ही खुश रहा जा सकता है। बीता हुआ कल जा चुका है, उसकी मीठी याद में ही खुश रहो। आने वाले कल का पता नहीं, इस इंतजार में ही खुश रहो। हंसता हुआ बीत रहा है पल, आज में ही खुश रहो। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश रहो।